हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वागत है आपका टेक साइबर मेनिया में। और दोस्तों, वीडियो थोड़ा मैं आज काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों। आप सब ने केवी फर्स्ट क्लास के लिए फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, फॉर्म का प्रिंट अपने पास रख दिया। अब कई लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि कब इसका रिजल्ट आएगा, कौन सी डेट में आएगा, आगे हमें क्या करना है। तो दोस्तों, आज का मैंने वीडियो खास इसी के ऊपर बनाया कि अगर आपने केवी क्लास वन का लिए फॉर्म भर दिया है तो इसके बाद अब आपने क्या करना है। और दोस्तों, अच्छी एक बात ये है कि अगर आपने फॉर्म भरते हुए कोई गलती कर दी है या आपको स्कूल की तरफ से कहीं फोन वगैरह आ गया कि आपने फॉर्म में ये गलती करी है, तो आप फॉर्म को कैसे करेक्ट करेंगे ये भी इन्होंने साइट के ऊपर सब कुछ मेंशन कर रखा है। सबसे पहले आपने लॉगिन में जाना है और जिस लॉगिन आईडी और डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करी है वही आपने यहाँ पर डालने के बाद कैप्चा डालना है और लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप अंदर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर रीओपन या रीकैंसिलेशन की ऑप्शन आ जाएगी। दोस्तों, बोलने का मतलब है अंदर जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आप इस फॉर्म को अपने कैंसिल करके एक फ्रेश फॉर्म भी फिल कर सकते हो। अगर गलत हो गया है तो आप फ्रेश फॉर्म भर दीजिए, पहले आपका ये फॉर्म कैंसिल होगा, ओटीपी जाएगा, तो ये एक अच्छी बात। तो आपने ये फॉर्म जल्द से जल्द भर देना है क्योंकि इसकी लास्ट डेट 15/4/2024 है, शाम को 5 बजे तक। अब मैं आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये भी दिखा देता हूँ। ये है हमारा दोस्तों क्लास वन का प्रॉपर शेड्यूल, देख सकते हैं आप। ये मार्च में हमारा शेड्यूल जारी हुई है, एडवर्टाइजमेंट 1 तारीख से खुला है, 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और दोस्तों, सबसे बड़ी अहम बात है, आपने फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट जो निकलनी है हमारी ड्रॉ सिस्टम के थ्रू, वो सबसे पहली लिस्ट 19/4/2024 यानी फ्राइडे को सुबह 10 बजे, मतलब या तो साइट पे ये अपलोड कर देते हैं, अदरवाइज आपने जो जो स्कूल फिल कर रखे हैं आपने उन स्कूल्स में चले जाना है, उनके नोटिस बोर्ड्स पे बच्चों की प्रोविजनल लिस्ट निकल रखी हो जिनके भी ड्रॉ सिस्टम में नाम आए हैं। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपने सेकंड लिस्ट जो हमारी 29/4 को निकलनी है यानी मंडे को, और ये लिस्ट भी निकलनी ही है क्योंकि इसमें भी फर्स्ट लिस्ट में कई बारी सीट्स खाली रह जाती हैं। अगर आपका दूसरी लिस्ट में भी नाम नहीं आता है तो इन्होंने एक तीसरी लिस्ट यानी 8/5/2024 वेंसडे को दोबारा से एक तीसरी लिस्ट निकालनी है। तो ये है दोस्तों हमारा कंप्लीट शेड्यूल। तो आपने इसके हिसाब से ही अपने जो आपने स्कूल फिल कर रखे हैं ऑनलाइन, वहाँ जाना है, अपना ऑनलाइन फॉर्म लेके जाना है, साथ में बच्चे के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रखना मत भूलिए। और आरटीई प्रोविजन के अंडर भी अगर सीट्स रिमेन रह जाती हैं तो ये भी इन्होंने लिंक ऑफलाइन के थ्रू 8/5/24 से 15/5/2024 तक ये इन्होंने ऑफलाइन मोड में भी खोलना है, जिसकी लिस्टें इन्होंने इसी फॉर्म में दर्शाई हैं। आप कंप्लीट इस इनके शेड्यूल को चेक कर सकते हैं। तो आपने जस्ट फॉर्म भरने के बाद फॉर्म को अपने पास रख लेना है और 19 तारीख का वेट करना है पहली लिस्ट का। अगर बच्चे का नाम नूम आ जाता है तो आपने फिर अपने स्कूल्स में, जिस स्कूल्स को अलॉट हुआ है आपका बच्चा, जो स्कूल अलॉट हुआ है वहाँ जाके आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिखाने हैं। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो होगी, अगर आप जॉब में हैं तो आपका जॉब का ट्रांसफरेबल कोई फॉर्मेट इन्होंने जो भी रखा हुआ है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कौन कौन से इन्होंने फॉर्मेट रखे, सर्विंग सर्टिफिकेट वगैरह आपके जो भी हैं आप यहाँ से इसे डाउनलोड करके आपने वहाँ लेके जाना है, जो भी स्कूल अलॉट हुआ है। तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट रखना मत भूलिए, अगर आपकी कैटेगरी SC BC है, ये भी एक जरूरी बात है। सीट्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही इन्होंने डिवाइड कर रखी हैं तो पैनिक नहीं होना। ड्रॉ सिस्टम वाले दिन आपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर जरूर ध्यान देना है, वहां चले जाना है। तो दोस्तों, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं, अगर नाम आ गया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी आता है तो दोस्तों आप आरटीई जो हमारा पीछे
जैसे हरियाणा में चिराग योजना के तहत अगर स्कूलों में सीट्स बच जाती हैं तो आप प्राइवेट स्कूलों में भी जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में दोस्तों उन्हीं का एडमिशन होगा जो एससी कैटेगरी से रिलेट करते हैं। तो ये हमारा चिराग फॉर्म भी स्कूलों में वैसे भरे जा चुके हैं, लेकिन अगर अभी भी आप जाकर स्कूलों में पता कर सकते हैं अगर बच्चे का केवी में नाम नहीं आया है तो। तो दोस्तों ये मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो था, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्द से जल्द, तब तक के लिए टेक केयर और अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें और जल्द से जल्द उनका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाएं। जय हिंद।